टीवी सीरियल अनुपमा में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। सीरियल में इन दिनों दिखाया जा रहा है कि अनुपमा और अनुज साथ हैं, लेकिन अनुज को अनुपमा याद नहीं है। अनुपमा भी अनुज से आध्या के बारे में जानना चाहती है और इस बीच कहानी में बरखा अंकुश की एंट्री हो जाती है। उनका एक सीन बीते एपिसोड में दिखाया गया था। इतना ही नहीं, अनुज ने अनुपमा के सामने आध्या की मौत का भी खुलासा कर दिया, लेकिन अनुपमा भी आध्या की मौत को सच नहीं मानती है। अब लेटेस्ट एपिसोड में हंगामा होगा। लेटेस्ट एपिसोड में दिखाया गया कि अनुपमा आशा भवन में बैठकर अनुज के बारे में सोचती है। वो अपनी साथी से अपना दर्द बांटती है। अनुपमा को सुझाव मिलता है कि वो अनुज के ठीक होने का इंतजार ना करे, वो अनुज को मनाए। ये सुनकर अनुपमा शांत हो जाती है। दूसरी तरफ डिम्पी टीटू के सामने अनुज की बुराई करती है और वनराज की तारीफ। टीटू को ये भी बताती है कि अनुज के खिलाफ वो पुलिस कंप्लेन वनराज करने वाला है। ये सुनकर टीटू फैसला लेता है कि वो मुंबई शिफ्ट हो रहा है और साथ में डिम्पी और अनुज को आना होगा, लेकिन डिम्पी टीटू की बेइज्जती करते हुए आने से मना कर देती है। इन सबके बीच आशा भवन में अनुपमा अनुज के लिए डांस करती है और उसे पुरानी यादें याद दिलाती है। शो में आगे दिखाया जाएगा कि अनुज को केयरिंग नेचर देख अनुपमा खुश हो जाती है, उसे आध्या को वापस लाने का वादा करती है। इसके आगे एयरपोर्ट पर सागर मीनाक्षी का इंतजार करता है। यहाँ पर वनराज का ड्राइवर भी होता है। शाह हाउस में भी मीनू के आने की तैयारी होती है। अनुपमा भी मीनाक्षी ठक्कर के स्वागत में लग जाती है, जो आश्रम को डोनेशन देने वाली है। वहीं एयरपोर्ट पर सागर मीनाक्षी को देखकर अपने होश खो बैठता है। तभी मीनाक्षी उसके आगे गिर जाती है, फिर वो सागर के साथ चली जाती है। इन सबके बीच शाह हाउस में मीनू के लिए सब टेंशन में होते हैं और इन सबके बीच काव्या डिम्पी को अंश की इज्जत करने की बात समझाएगी।